Good morning, students. Today we are going to start with the third lecture of the chapter Liberty. Earlier its name was Freedom, and we have done the meaning of liberty, that it is the absence of constraints. Now we will discuss the two aspects of liberty, negative liberty and positive liberty. First of all, let us see the second slide which has been made here, that there are certain philosophers, here comparison has been given, there are certain philosophers that supported, that has given us the negative liberty. John Locke and J.S. Mill, they have given this idea. And under this, negative liberty ke supporters kehte hain that there should be minimum area of non-interference. Koi aisa minimum area hona chahiye jo ki jisme koi bhi vyakti interfere nahi kar sakta. It defines and it defends the area that is inviolable. Inviolable area hai jahan par kisi aur ka interference nahi hota hai, and every person should be freedom from all kinds of restraints. Is idea ke jo pairokar hain wo kehte hain that there should be freedom from, everybody should be free to do, to be or to become whatever he or she wished to do, be or become. एक व्यक्ति जो भी करना चाहता है, जो बनना चाहता है, उसे उस एरिया में पूरी की पूरी तरह फ्रीडम होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, and he can do, be and become according to his own wish. And this area is the area which is inviolable, जहाँ पर स्टेट और कोई अथॉरिटी भी आकर किसी तरह का वायलेशन नहीं कर सकती, वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकती. मोर ओवर दिस इज द टोटल एब्सेंस ऑफ अनरीजनेबल कंस्ट्रेंट्स. स्टेट, गवर्नमेंट, अथॉरिटी दे द्वारा फ्रीडम है. दिस इज फ्रीडम फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ अनरीजनेबल कंस्ट्रेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट और फ्रॉम अथॉरिटी. सो नेगेटिव लिबर्टी, द सपोर्टर्स ऑफ नेगेटिव लिबर्टी, they tell us, they define and defend an area which is an area of non-interference. It is that area which is inviolable. ये वो area है जिसको कोई भी, किसी भी state की government, कोई authority, कोई community किसी तरह से violate नहीं कर सकती. So we can say that it is minimum sacred area. ये वो छोटा सेक्रेड एरिया है जिसमें कि एक व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र होता है. एन इनवायलेबल एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन विच द इंडिविजुअल कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ. फॉर एग्जांपल दैट विच काइंड ऑफ क्लोथ्स विल बी वॉर्न बाय अ पर्सन इन स्कूल, इन प्लेइंग फील्ड, इन ऑफिसेस, दिस इज द विल ऑफ दैट पर्सन दैट एट हाउस व्हाट सॉर्ट ऑफ क्लोथ्स वन वॉन्ट्स टू वेयर. एक व्यक्ति किस तरह के कपड़े पहनना चाहता है, वो घर में अपनी तरफ से पूरी तरह से फ्रीडम है उसके पास कि वह घर में किस तरह के कपड़े पहनता है. बट इफ यू कंपेयर द स्कूल एंड ऑफिस इन दैट एरिया, दिस फ्रीडम विल नॉट वर्क. नेगेटिव फ्रीडम वहां पर बिल्कुल काम नहीं करेगी. सो वी कैन से दैट नेगेटिव लिबर्टी कम्स फ्रॉम द आइडिया दैट फ्रीडम फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ unreasonable constraints from the side of government or from the side of authority. किसी भी तरह की government के द्वारा दिए गए, द्वारा बनाए गए किसी भी तरह की constraints का absent होना एक ऐसा area जो कि inviolable हो, वो negative liberty के supporters कहते हैं. उनका मानना है कि non-interference brings more and more freedom. अगर कोई वायलेट नहीं कर सकता तो फिर योर डिसीजन कैन बी टेकन विदाउट एनी कंस्ट्रेंट्स. अगर आपके पास फ्रीडम है तो आप अपने डिसीजंस किसी भी कंस्ट्रेंट्स के एब्सेंस में ले सकते हैं. नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर्स मानते हैं कि वायलेशन नहीं होनी चाहिए, स्टेट या अथॉरिटी किसी भी तरह से वायलेट नहीं कर सकते. मिनिमम एरिया, एक मिनिमम एरिया है, प्राइवेट एरिया है जिसमें कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी अथॉरिटी किसी भी तरह से वायलेशन नहीं कर सकती.
नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर्स इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ओवर व्हाट एरिया एम आई द मास्टर, इट इज कंसर्न्ड विद एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम, कि किस एरिया तक मैं पूरी तरह से फ्री हूँ, आई एम द मास्टर ऑफ ऑल द डिसीजंस एंड ऑल द एक्शंस दैट इज द सपोर्टर्स ऑफ नेगेटिव लिबर्टी सेज। लेट अस टॉक अबाउट पॉजिटिव लिबर्टी, इसके सपोर्टर्स कहते हैं, सपोर्टर्स में मेन जीन जैक्स रूसो का नाम आता है, हीगल, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और अरबिंदो, दे एक्सप्लेन वन ऑफ द नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, दे टेल अस दैट फ्रीडम टू, इनका मानना है कि एक अथॉरिटी होनी चाहिए और वो अथॉरिटी एक व्यक्ति की डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल अदा करती है। इफ गवर्नमेंट इज देयर इट इज नीडेड फॉर द डेवलपमेंट, to provide resources, to provide employment, to provide opportunity and to reduce poverty. अगर हमने अपनी development करनी है, then resources will be provided by the government, employment will be provided by the government, all the good opportunities will be provided by the government. Man is just like a flower. Individual is just like a flower. It only blossoms when the soil is fertile, the sun is gentle, water is adequate and care is regular. जब इसको सभी केयर मिलेगी इंडिविजुअल को, तभी वो डेवलप कर सकेगा। तो फिर पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर्स ये मानते हैं कि किसी ना किसी तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए, कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल हो, उसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, उसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें एंड साइड बाई साइड जो पॉवर्टी है उसको डिक्रीज करने का काम करें। सो दीज सपोर्टर्स से दैट लिबर्टी इज एन्जॉयबल ओनली अंडर द गवर्नमेंट, लिबर्टी अंडर द गवर्नमेंट इज प्रोपगेटेड बाई द सपोर्टर्स ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। दिस इज ऑलवेज नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। नाउ वन इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल दैट हैज कम बाय जॉन स्टुअर्ट मिल, हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है कि कुछ एक्शंस होते हैं सेल्फ रिगार्डिंग, जिनका किसी और के साथ कोई संबंध नहीं है। आप घर में कैसा खाना खाते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, उसका किसी और के साथ संबंध बिल्कुल नहीं है। और देर आर सर्टन अदर एक्शंस ऑल्सो विच आर अदर्स रिगार्डिंग एक्शन, तो जैसे कि अगर आप कार चला रहे हो तो उसमें आपको स्पीड पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो फिर अगर कहते हैं कि ऐसे हमारे सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस में किसी भी तरह की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन माइनर हार्म अगर कोई करता है तो उसे हम सोशल डिसअप्रूवल के द्वारा सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के एक्शंस ऐसे हैं जैसे कि अगर वो लाउड म्यूजिक प्ले करता है सोसाइटी में रहकर, तो फिर उसको लीगल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, जबकि अदर्स रिगार्डिंग एक्शंस में हम लीगल पनिशमेंट, माइनर हार्म के लिए उसको लीगल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, जबकि उसके लिए एक सबसे अच्छा डिसीजन है उसको सोशल डिसअप्रूवल दे दिया जाए। मान लो सोसाइटी में रहते हुए कोई लाउड म्यूजिक प्ले करता है, तो फिर उस सिचुएशन में उस व्यक्ति के साथ बात करना छोड़ दो, उसको ग्रीट करना छोड़ दो, उसको अवॉइड किया जाए। तो इस तरह का सोशल डिसअप्रूवल हम देखते हैं कि सोशल डिसअप्रूवल एक तरह की पनिशमेंट ही है उसके लिए, और सीरियस हार्म्स के लिए हम हेट कैंपेन्स चला सकते हैं। सो हार्म प्रिंसिपल में इतना ही बताया गया है कि अगर माइनर हार्म है तो फिर वी कैन सॉल्व इट आउट थ्रू सोशल डिसअप्रूवल। दिस इज ऑल, हार्म प्रिंसिपल इज नॉट देयर इन सिलेबस, दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। इफ सिंस इट इज नॉट क्लियर यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड स्टे एट योर हाउसेस।